अरे एक बात बताइए, वो एक नैतिक शिष्टाचारिक एक मीटिंग है, वो एक पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है। इट वॉज नॉट ए पॉलिटिकल इवेंट, वो एक राजनीतिक नहीं है मीटिंग। अगर कोई हमारे देश का संघ परिवार है और कोई नेता है, या आप अगर कोई आप टीचर है, एक टीचर से टीचर मिलेगा, वो एक व्यवहारिक एक मुलाकात थी। कौन कौन भाजपा में दिया था मोदी? अरे मुलायम सिंह ने अखिलेश जी को दिया है, और 2022 के अंदर साइकिल दौड़ेगी, और साइकिल इतनी दौड़ेगी कि साइकिल की रफ्तार कोई नहीं रोक पाएगा। आरएसएस से कोई दिक्कत नहीं आपको? हमें आरएसएस से कोई दिक्कत नहीं है। आरएसएस से हमें सिर्फ, हम जो चाहते हैं देश में जो मुद्दे हैं, जनता के बीच में जो मुद्दे आ रहे हैं, जो महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो शिक्षा में जो मुद्दा है, उस मुद्दे को कहाँ बना रहे हैं आप लोग? आप कहाँ नए एजेंडे लेके जा रहे हैं? आप आरएसएस से आप समाजवादी पार्टी को नहीं मिला सकते। ये लाल क्रांति है, ये लाल किला अखिलेश यादव का, और ये नौजवानों की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। इस सरकार को बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके विपक्ष जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वो घबराया हुआ है। अब्बा जान भी आ गए मैदान में? अब्बा जान भी आएंगे, डब्बा जान भी आएंगे, अब्बा डब्बा चप्पा सब आएंगे। और चचा जान आ गए हैदराबाद? चचा जान साहब, चचा जान तो आ रहे हैं, वो तो फालतू जाएंगे, वो लोग डिस्टर्ब किए हैं तेजस्वी यादव को बिहार के अंदर। लेकिन यूपी में इस बार नहीं होगा, इस बार बिहार बंगाल की तर्ज पे यूपी के अंदर खदेड़ा हो रहा होगा, खदेड़ा होगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव ने, अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे हैं, एम्बुलेंस चलाई है 108। लेकिन मुस्लिम कह रहे हैं कि अब हमारा नेता अपना नेता है, क्या है? मुसलमानों को ये प्रतिनिधित्व जो अखिलेश यादव मुसलमानों कर रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, यहाँ पर इस बार चुनाव ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, इस बार लड़ाई सिर्फ बेरोजगारी, ईमानदारी, सच्चाई, विधवा पेंशन, लैपटॉप, बेरोजगारी, इसकी लड़ाई है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ओबेसी कोई नेता नहीं है, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नेता ओबेसी नहीं है। वो ओबेसी को हमने नेता कभी माना ही नहीं। ओबेसी की बस 11 सीटें तेलंगाना के अंदर, वहाँ जाके बैठ सोना है, वहाँ पर जाके मेहनत करे। डॉक्टर अयूब कुरैश, डॉक्टर अयूब के खिलाफ जो है पीस पार्टी के अपने उम्मीदवार खड़ा करके आजम खान जेल पड़े, वो तो एक पॉलिटिकल षड्यंत्र के तरीके से उनको जो भी सजा मिली गई है वो भी चल रहा है। और ये अखिलेश भैया कह रहे हैं कि जितने बेकसूर लोग जेल के अंदर हैं वो सब आज नहीं तो कल बाहर आएंगे। अजीत सिंह जी कहते थे कि जिस गाड़ी पे लाल झंडा है समझो वो गुंडा है। अजीत सिंह जी कहते थे, वो उनकी पुरानी बात थी। आप आपके साथ कौन आज आज बात हुए हैं ना हमारे साथ में, वो अजीत सिंह जब कहते थे भाजपा के जमाने, अजीत सिंह के डंडे मारे वहाँ पर उन्होंने, अधिकारियों ने क्या व्यवहार किया वहाँ पे आदर्श के अंदर, क्या मार किया आदर्श की बेटी निर्भय के हाथ किया? आप इसमें सवाल क्यों नहीं करते? आपकी बेटी इसमें सवाल क्यों नहीं करती है? आप कभी इस बात पे कभी बात क्यों नहीं करते? आप कभी इस बात पे आपकी मीडिया क्यों बात नहीं करती है कि वहाँ पर जो प्रदेश के अंदर बेटियों बलात्कार हो रहे हैं, आज प्रदेश की बेटियां परेशान है। और आपके नेता जो है मुलायम सिंह, वो तो कहते हैं बच्चों से गलतियां हो जाती है रेप मामले में। अरे आपको वो आधा अधूरा बयान सुनकर यहाँ राजनीति कर रहे हैं आप? सुनिए आप, ये सवाल बेहतर है कि जाके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से करिए कि आज देश के, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो बलात्कार हो रहे हैं, जो लड़कियां सेफ नहीं है, आज जो आप देश में लेके आए थे गुंडे यूपी छोड़ के बाकी है, कौन से गुंडे कहाँ गुंडे यूपी छोड़ के कहाँ बगे गुंडे? आप देखो ना गुंडे नहीं तो कौन है? लूट बढ़ रही है, आप गूगल पे गूगल करिए, आज क्रम गिराफ देखिए आप यूपी के अंदर कितना क्रम गिराफ है। अमित शाह दूरबीन से देख रहे हैं, गुंडा नहीं मिला यूपी में, दूरबीन से उनको सरकार दिख रही है अगले भैया की दूर से, वो देख रहे हैं सरकार किसकी बन रही है, आप समझे? आप ये देखिए यहाँ पर जो है आपको प्रदेश में लाल क्रांति नहीं दिख रही क्या? समाजवाद नहीं दिख रहा आपको पूरे प्रदेश के अंदर? सर एक सवाल है, जो ओबीसी जाके तमाम मुसलमानों से कह रहे हैं कि 20% यूपी में मुसलमान है, क्या अखिलेश यादव किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? तेलंगाना के अंदर 90% मुसलमान है, कितनी सीटें उनके पास? 11 सीटें उनके पास तेलंगाना के अंदर। तो एमपी भी है उनके? तो एमपी तो पूरे तेलंगाना में कितने एमपी आप देख लो, 90% मुसलमान में 2 MP। आप देखो ना, जहाँ हैदराबाद, कहाँ यूपी, जहाँ आपका वोट है आप वहाँ लड़िए, आप इतने
जिहाद की बात करते हैं, आप मिल्लत की बात करते हैं, आप एम की बात करते हैं, तो आप पहले इत्तेहाद दिखाइए। आपका इत्तेहाद ये था कि डॉक्टर, आपका इत्तेहाद ये था कि आपने डॉक्टर अय्यूब पीस पार्टी के खिलाफ हमने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, तो आप तो एजेंट है। किसके एजेंट है वो? अब आप समझ जाइए किसके एजेंट है, आप बताइए। हम ऐसे क्यों बोले बीच बीच में, आप बताइए ना। अगर वो पीस पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, वो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, वो मिल्लत की बात कर रहे हैं, वो कौमी एकता की बात करते हैं, वो मुसलमानों की परवरिश की बात करते हैं, मुसलमान की जूसी पढ़ाई करते हैं। सवाल ये है सर, क्या किसी सवाल ये है कि आज सवाल ये है कि मुसलमान 95% इलिटरेट है, हमें इलेक्ट्रिसिटी, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए, हम खुद कमा लेंगे राशन, हमें इलेक्ट्रिसिटी मत करो आप, हमें एजुकेशन दो। मतलब एजुकेशन चाहिए आपको? हमें एजुकेशन चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें अच्छी मेडिकल सेवाएं चाहिए। हम टैक्स पेड करते हैं, अगर हम सुबह टूथब्रश करते हैं ना घर के अंदर, तो टैक्स पेड करते हैं। हम सुनिए, हम सीवर में लेटरिन करने जाते हैं बॉडी में, तो हम सीवर टैक्स पेड करते हैं। हम घर से निकलते हैं, नाश्ता करते हैं, उसमें खाने का टैक्स पेड करते हैं। हम पेट्रोल देते हैं, उस पर तो बताइए आपको 260% 220% टैक्स पेड करते हैं हम पेट्रोल के ऊपर। लेकिन आप बताइए, एक सवाल है, किसी देश में, किसी विश्व में, किसी देश में इतना टैक्स है क्या? अखिलेश शासन में तो दंगे होते हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल खराब रहता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। आप कहते हैं अधिकारी मेरा कहना नहीं मानते, सुनिए, कहते हैं अधिकारी मेरा कहना नहीं मानते। सुनिए, आपको सब पता है दंगे कौन कराता है और कौन नहीं कराता है। दे ऑल आर पॉलिटिकल इवेंट जो भी हुए मुजफ्फरनगर या आप जो भी कहना चाहते हैं, वो सब वही है। लेकिन जो एक सरकार में एक भी दंगा नहीं, सर मेरी बात सुनो, अखिलेश भाई दंगा कराने जा रहे हैं क्या आपको लगता है? लॉ एंड ऑर्डर तो उनके हाथ में है ना, लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में है, उनके हाथ में। आपने कभी सवाल नहीं किया यूपी की एजुकेशन ग्रोथ क्या थी अगले सरकार के अंदर, मेडिकल सेवाएं क्या थी? ये आज 108 जो खड़ी हुए, कभी आप आपने सवाल नहीं किया? आप नेगेटिव चीजें क्यों देख रहे हैं? नेगेटिव इवेंट तो हर पार्टी के अंदर होते हैं। सर एक सवाल, जिनसे आपका सवाल है वो तो खुला कहते हैं कि हम तो धर्म की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद पर राजनीति करते हैं, तो वही ये वही तो उनसे क्या कह रहे हैं? हम आपसे वही तो कह रहे हैं कि प्रदेश की और देश की जनता आज विकास चाहती है, आज अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहती है, आज अच्छी अच्छी एजुकेशन चाहती है। आप ये बताइए, जो अखिलेश भैया या समाजवादी पार्टी एजुकेशन के लिए बच्चों को पेंशन देती थी, लड़कियों को पेंशन दी थी, क्यों बंद कर दी? ये आपका ये मेरठ एक्सप्रेस भी बन गया, 30 घंटे हो गए। आप सुनिए भाई साहब, सुनिए आपने कभी आपकी मीडिया ने, पूरे प्रदेश की या देश की मीडिया ने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि यमुना एक्सप्रेस वे पर उन्होंने झाड़ू उतार दिए, सुकू उतार दिया? वो आप कभी चले हैं एक्सप्रेस वे? आप चले हैं कभी? आप स्वयं चले हैं कभी? आपने देखा हुआ वो एक्सप्रेस वे कैसा है? हम उसी से आ रहे हैं। आपने देखा हुआ? अगर आप देश को, आप शहर को, आप गांव से जोड़ेंगे, वो विकास की धारा बहती है, ठीक है। अगर आप मेट्रो की बात करते हैं, तो सबसे पहले 30 दशक के अंदर अगर यूपी के अंदर किसी ने मेट्रो बनाई तो श्री अखिलेश यादव जी थे, और आगरा में मेट्रो का शिलान्यास किया, डीआरपी पीबीआर कानपुर और आगरा पास किया, वो भी अखिलेश यादव ने पास किया। विजन है उनके पास, ही इज एन एजुकेटेड सीएम, नेवर एवर इन हिस्ट्री ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश। I am a teenager, I am a youngster, and I want a good UP, I want a good education, I want a good health minister, health wise medical facilities, I want good roads, I don't want any religious caste creed and colorism. Sir, एक सवाल है, मान लिए विजन अखिलेश यादव के पास, युवा है, दो नए युवा नेता एक साथ मिलकर आ रहे हैं, लेकिन अगर उनकी सरकार में दंगे होंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? आप गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए, अभी कैसे सवाल कर रहे हैं? जो पिछली सरकार में कितने हर शहर में दंगे हुए हैं बताइए। आप दंगों की बात क्यों करते हैं? शहर है जहाँ दंगे नहीं हुए हैं। आप कभी मॉब लिंचिंग बात क्यों नहीं करते? पूरी प्रदेश मॉब लिंचिंग हुई है, कहाँ कही आपने सवाल? बताइए कितनी मीडिया ने मॉब लिंचिंग बात उठाया, आप बताइए मुझे। अगर मॉब लिंचिंग गलत है तो आप उन्हें दंगे का आपकी मीडिया ने कभी दिल्ली झगड़ों की विवेचना नहीं करी? दिल्ली झगड़े हुए, बिल्कुल दिल्ली दंगा, कितने बड़ा झगड़ा हुआ दिल्ली वाला, दिल्ली दंगा दल है, तो यूपी में दंगे सही है क्या? दंगे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यूपी में दंगे हुए थे, वो जो भी था वो पॉलिटिकल इवेंट था। आज अगला मॉब लिंचिंग हुई, ठीक है, और पहलू खान मॉब लिंचिंग हुई, ठीक है, और हरियाणा में ये नू में मॉब लिंचिंग हुई मेवात में, ठीक है ना। ये आप देखिए, ये देश है, आप यहाँ पर ये सब बातें करेंगे, कास्ट क्रीड रिलीजन मॉब लिंचिंग झगड़े, आप हमें ये अब ना 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 मेरी 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 बात सुनिए, तमाम नेता आपने आपका भी ये नहीं दिखाया, आपने अखिलेश नहीं दिखाया, आज आज हजारों से लाखों सैकड़ों जन सैलाब अखिलेश भैया के साथ दिख रहा है।